ओके, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर विथ सम प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हम कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ के लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम ख़त्म करके नेक्स्ट लेक्चर से अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, राइट? ओके, सो फ्रॉम द बेसिक्स जो हमने अब तक कंसेप्ट पढ़ा है उसे यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम से डेटा निकालेंगे, राइट? द प्रॉब्लम इज अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। सो बेयरिंग का टाइप हमें दे दिया है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, इज सब्जेक्टेड टू अ रेडियल फोर्स। सो एक बात और हमें दी है कि वी हैव अ रेडियल फोर्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि रेडियल फोर्स एफ आर हमें डायरेक्टली दिया है, हाउ मच? 8 kN, 8 × 10³ न्यूटन कह देंगे हम। एंड थ्रस्ट फोर्स, ऑल्सो थ्रस्ट फोर्स ऑफ 3 kN इज गिवन। सो थ्रस्ट फोर्स कह देंगे हम FA इक्वल्स टू 3 kN, 3 × 10³ न्यूटन, राइट? ओके, द शाफ्ट रोटेट्स एट 1200 RPM, सो स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज ऑल्सो गिवन। द एक्सपेक्टेड लाइफ L10H, हमें L10H मतलब लाइफ ऑफ द बेरिंग इन आवर्स दिया है, हाउ मच? 20,000 hours, L10H इज गिवन एज 20,000 hours। द मिनिमम एक्सेप्टेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, एक्सेप्टेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 75 mm, तो हमें डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दिया है और उसी शाफ्ट के ऊपर हम हमारा रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग लगाएंगे, इसका मतलब कि हमें इनर डायमीटर ऑफ द बेरिंग दिया है, राइट ना? इनर डायमीटर ऑफ द बेरिंग इज 75 mm, राइट? द मिनिमम एक्सेप्टेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 75 mm, सिलेक्ट अ सुटेबल बॉल बेरिंग फॉर दिस एप्लीकेशन। सो बॉल बेरिंग हमें सिलेक्ट करना है, राइट ना? हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? फ्रॉम द डिज़ाइन डाटा बुक के टेबल से, राइट ना? ओके, हमने इसके पहले वाले पार्ट में, इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके स्टेप्स, अगर हमें कोई बॉल बेरिंग को सिलेक्ट करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट ना? तो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप था कि रेडियल फोर्स FR की वैल्यू निकालेंगे, FA की वैल्यू निकालेंगे और D डायमीटर ऑफ द शाफ्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप तो यहीं कंप्लीट हो गया, राइट ना? FR की वैल्यू है, FA की वैल्यू है और D इक्वल्स टू 75 mm है, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अगर मैं कहूँ सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ बेरिंग, राइट ना? हमें बेरिंग कौन से टाइप का है वो सिलेक्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम में अगर डायरेक्टली दिया है तो क्या हम कह सकते हैं कि द बेरिंग इज ऑफ, द बेरिंग इज ऑफ डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट है। नाउ थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि एक्स और वाई जो हमारे रेडियल एंड थ्रस्ट फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। नाउ एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी और वाई की वैल्यू कितनी, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट? और वो हम फाइंड आउट करते हैं इस टेबल के ऊपर से, राइट? नाउ इस टेबल के ऊपर से फाइंड आउट करते हैं। नाउ टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो x और y की वैल्यू है वो डिपेंड करता है FA अपॉन C0, मतलब कि एक्सियल फोर्स अपॉन स्टेटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड रेशियो ऑफ एक्सियल फोर्स एंड रेडियल फोर्स, राइट? नाउ सिंस हमारे पास C0 की वैल्यू नहीं है तो हम इसे तो इस टेबल को तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, राइट ना? इस कॉलम को हम कहीं पे यूज़ कर नहीं पाएंगे। नाउ FA अपॉन F0 1010, ये जो कॉलम है x एंड y की वैल्यू 1 कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट है, y की वैल्यू कंटिन्यूसली 0 है, मतलब कि अगर y की वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं तो रेडियल फोर्स तो 0 हो जाएगा, राइट? मतलब कि हम ये वैल्यू भी अब कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? हमारे पास बचता है सिर्फ ये कॉलम, राइट ना? e की वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं अभी, तो फिलहाल हमारे पास बस यही वैल्यू है जिसमें x ये कांस्टेंट है 0.56। तो x की वैल्यू हम कोई भी इसमें से एक ले सकते हैं 0.56, लेकिन y की वैल्यू है विच वैरीज फ्रॉम 1 to 2, राइट ना? y की वैल्यू ये 1 से 2 तक वैरी करती है, तो जब तक हमारे पास E नहीं है तब तक हम Y की एक डेफिनेट वैल्यू तो कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे और इनमें से कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, X की वैल्यू अज्यूम करेंगे। नाउ X की वैल्यू तो हर तरफ कांस्टेंट है, तो X की वैल्यू 0.56 हम ले लेंगे, राइट? और Y की वैल्यू जो है
वो 1 से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू 1.5 ले लेंगे, चलेगा है ना। रिमेम्बर ये जो है हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं, हम चेक करेंगे आगे कि हमने अजम्पशन जो है वो बरोबर लिया है क्या, राइट। सो एक्स की वैल्यू 0.56 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई की वैल्यू 1.5 ऑफकोर्स रहने दीजिए, राइट। नाउ एक्स एंड वाई के अगर हमारे पास वैल्यूज हैं तो फोर्थ स्टेप है हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी, कौन सा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज पी की वैल्यू। पी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स इंटू एफ आर प्लस ऑफ वाई इंटू एफ ए। नाउ एक्स की वैल्यू 0.56 है, सो 0.56 इंटू एफ आर, एफ आर इज 8 किलो न्यूटन, 8 × 10^3 प्लस ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हमने अज्यूम की है 1.5, 1.5 इंटू एफ ए, एफ ए की वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन, सो 3 × 10^3 सॉल्व इट, वी विल गेट वैल्यू ऑफ पी। वैल्यू ऑफ पी हमें सॉल्व करने के बाद मिलती है 8980 न्यूटन्स, 8980 न्यूटन। सो डायनेमिक इक्वेलेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी पी की वैल्यू हमें 8980 न्यूटन मिलती है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास फिफ्थ स्टेप है फॉर सिलेक्शन ऑफ ए बेरिंग। अगर हमारे पास पी की वैल्यू है तो हम L10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसमें, इन मिलियन रेवोल्यूशंस, राइट। लेकिन L10 दैट इज लाइफ ऑफ द बेरिंग हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ आवर्स। हमारे पास एक रिलेशन है कि L10 विल बी इक्वल टू 60 × n × L10h अपॉन 10^6, राइट ना, बिटवीन मिलियन रेवोल्यूशंस एंड बिटवीन आवर्स। सो L10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 × n, n तो हमारे पास है दैट इज स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन इज हाउ मच, 1200 RPM, 1200 इंटू L10h, L10h इज 20,000 आवर्स, 20,000 आवर्स अपॉन 10^6, एंड बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन हमें L10 की वैल्यू मिलती है L10s 1440 मिलियन रेवोल्यूशंस, 1440 मिलियन रेवोल्यूशंस। सो L10 की वैल्यू हमें मिलती है 1440 मिलियन रेवोल्यूशंस। नाउ यूजिंग दिस L10s वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, और डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू को यूज करके हम सिलेक्ट करेंगे एक सुटेबल बेरिंग, राइट ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि शाफ्ट का जो डायमीटर है उसे यूज करके और डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी को यूज करके हम बेरिंग कैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो वी हैव अ लोड लाइफ रिलेशन एज L10 इक्वल्स टू डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी C अपॉन इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड P अपॉन स्मॉल P इक्वल्स टू। नाउ L10 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की है दैट इज 1440 इक्वल्स टू C, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसे हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा। लेकिन P दैट इज इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड, इक्विवेलेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी 8980 रेस टू द पावर स्मॉल पी, स्मॉल पी फॉर बॉल बेरिंग द वैल्यू ऑफ पी इज ऑलवेज इक्वल टू 3, राइट ना। और इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे 3 विल बी 1440, राइट ना। ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, 1440 × 1/3 इंटू ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 8980 एंड फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी सी की। सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें सी की वैल्यू मिलती है 101406, 101406 न्यूटन, दैट इज द डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बेरिंग, राइट। नाउ हमारे पास
इनर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है और सी की वैल्यू है। नाउ इन दोनों को यूज करके डिजाइन डाटा बुक में से मैं डेजिग्नेशन टेबल में से एक स्पेसिफिक बेरिंग सिलेक्ट करूंगा, राइट ना। कैसे सिलेक्ट करूंगा, पहले देखूंगा फर्स्ट कॉलम। हमने देखा था कि हमारे पास जो कॉलम है वो फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज इनर डायमीटर, सेकंड कॉलम है आउटर डायमीटर ऑफ द बेरिंग और थर्ड कॉलम था बी, उसके बाद था हमारे पास सी जीरो दैट इज स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, सी की वैल्यू और दो जो फाइनल था दैट वाज डेजिग्नेशन, राइट। तो पहले मैं डी की वैल्यू के टेबल में सर्च करूंगा, डी की वैल्यू कितनी है 75 में, ऑफ कोर्स मेरे पास डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सी की वैल्यू है, तो इस सी के वैल्यू में जो भी नियरेस्ट टू 101406 होगा, है ना, 101406 का जो नियरेस्ट वैल्यू होगा उस नियरेस्ट वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसका डेजिग्नेटेड बेरिंग जो होगा उस बेरिंग को सिलेक्ट करूंगा, राइट ना। एंड फ्रॉम टेबल जो नियरेस्ट वैल्यू हमें मिलती है दैट इज सी की वैल्यू होती है 112000, राइट ना, 101406 न्यूटन के जो पास वाली वैल्यू है दैट इज नियरेस्ट वैल्यू टू दिस डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 112000 एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज सी 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 बेरिंग नंबर 6315। तो हम बेरिंग सिलेक्ट करेंगे 6315, राइट। नाउ बात यह है कि हमने जो y की वैल्यू थी उस वैल्यू को तो एज्यूम किया था, राइट। तो एक बार उसे चेक करेंगे कि एग्जैक्ट जो हमने बेरिंग सिलेक्ट किया है वो इस वैल्यू पे कहीं चेंज होता है क्या, राइट ना। इसके पहले हमारे पास C0 की वैल्यू नहीं है, तो अगर हम ये बेरिंग सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहां से C0 की भी वैल्यू मिल जाएगी और C0 एट ऑफ दिस बेरिंग द सिलेक्टेड बेरिंग इज 72000 न्यूटन। सेवन दिस वैल्यू फॉर सिलेक्टेड बेरिंग इज 72000 न्यूटन, राइट। नाउ अगर मैं कहूं कि C0 की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो FA अपॉन C0 अब कैलकुलेट कर सकता हूं और FA अपॉन C0 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नाउ अब Y की वैल्यू हम बरोबर फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Y कैन बी फाउंड, राइट। तो एक तो हमने ये बेरिंग सिलेक्ट की थी, लेकिन मोर एक्यूरेट बेरिंग सिलेक्ट करने के लिए हम हमारी जो एज्यूम्ड Y की वैल्यू है उसे रिफाइन करेंगे और एग्जैक्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो ओके, हाँ हमें फाइंड आउट करना है FA अपॉन C0, FA अपॉन C0, FA अपॉन C0 इज इक्वल टू FA की वैल्यू हमने हमारे पास दी हुई है दैट इज रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स इज 8, ओके एफ ए इज थ्रस्ट फोर्स 3 kN, 3×10⁻³ अपॉन C0, C0 की वैल्यू कितनी है 72000। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.04167, राइट। और एफ ए अपॉन एफ आर की वैल्यू भी अब निकालेंगे तो एफ ए अपॉन एफ आर इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू इज 8 kN, 8×10⁻³ अपॉन सॉरी एफ ए अपॉन एफ आर, दिस इज एफ आर, एफ आर की वैल्यू है एफ ए इज 3 kN एंड एफ आर इज 8 kN, सो 8×10⁻³ विल गिव मी द रेशियो इक्वल टू 0.375, राइट। नाउ इस डेटा को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई, राइट। नाउ एफ ए अपॉन C0, राइट ना, एफ ए अपॉन C0 इज 0.04167 0.04 0.0 0.0401 0.0401 और
इसके नेक्स्ट टू दिस वैल्यू ऑफ ई, इस वैल्यू पे एफ ए अपॉन सी जीरो, तो हमने 0.040 फाइंड आउट किया इस टेबल में से एफ ए अपॉन सी जीरो के रेशियो पे जो ई की वैल्यू है, राइट ना, जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू 0.24 है, राइट, ई की वैल्यू 0.24 और एफ ए अपॉन एफ आर, एफ ए अपॉन एफ आर इज 0.375 विच इज ग्रेटर देन ई, राइट ना. सो दिस वैल्यू 0.375 इज ग्रेटर देन ई, तो इसका मतलब हमारा जो y की वैल्यू है वो कुछ 1.8 के आसपास रहेगी, जो हमने 1.5 कंसिडर किया था वो नहीं, तो उससे कहीं ज्यादा ही होगी, राइट. नाउ इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, राइट ना. कैसे निकाला हमने, पहले एफ ए अपॉन सी जीरो, सी जीरो की वैल्यू कहां से मिली, जो हमने पहले y एज्यूम किया था, y की वैल्यू एज्यूम की थी, वहां से हमें p की वैल्यू मिली, उसे हमने आगे कैलकुलेट किया तो हमें सिलेक्टेड बेरिंग मिला, बेरिंग के ऊपर से हमने c0 की वैल्यू निकाली, दैट इज स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, उस c0 की वैल्यू निकाल कंसिडर करके हमने एफ ए अपॉन सी जीरो ये जो रेशियो है उस रेशियो को निकाला, इस रेशियो में हमें e की वैल्यू मिलती है और e की वैल्यू हम देखते हैं कि एफ ए अपॉन एफ आर का रेशियो ई से बड़ा है या छोटा है, सिंस ये रेशियो बड़ा है इसका मतलब हमें ये मिलता है कि एफ ए अपॉन एफ आर ई से बड़ा है, राइट ना. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे वाई की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ वाई फाउंड बाय लीनियर इंटरपोलेशन, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू हम सीधा 1.8 तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 0.041 है, इससे आगे वाली वैल्यू, राइट ना. सो द वैल्यू ऑफ y इज फाउंड बाय अगली वैल्यू, तो लीनियर इंटरपोलेशन यूज कर लेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन, एंड लीनियर इंटरपोलेशन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1110.41, पहले वैल्यू 1.8 है, तो 1.8 माइनस ऑफ 1.8 माइनस 1.6 अपॉन 1.8 माइनस 1.6 अपॉन 0.070 माइनस पहले वैल्यू 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.041 माइनस, है ना, 0.04167 माइनस जो वैल्यू है पहले वाली 0.040. नाउ यूज दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वाई, और यहां से हमें वाई की वैल्यू मिलती है इक्वल टू 1.79 इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई, राइट ना. वाई की वैल्यू हमें एग्जैक्टली 1.79 मिली है, जो हमने 1.5 पहले एज्यूम किया था, राइट ना. इसका मतलब हमें वाई की वैल्यू तो मिल गई है, और हमारा जो एक्स है वो सिंस एफ ए अपॉन एफ आर इज ग्रेटर देन ई, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो 0.56 ही रहेगी, राइट ना. एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमारे पास है तो अब हम इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड फाइंड आउट करेंगे. इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड पी इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स इंटू एफ आर प्लस ऑफ y इंटू एफ ए इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू तो है हमारे पास 0.56 इंटू एफ आर, एफ आर दैट इज रेडियल फोर्स इज 8 किलो न्यूटन, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ऑफ y की वैल्यू एग्जैक्ट इज 1.79 इंटू एफ ए, एफ ए इज 3 किलो न्यूटन, 3 इंटू 10 टू द पावर 3. सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ p मिलती है हमें, पी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 9850 न्यूटन इज योर पी, राइट ना. अब हमें अगर इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड मिल गया है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट
द लाइफ ऑफ द बेरिंग, राइट, क्योंकि लाइफ भी तो चेंज होगी. सो लाइफ ऑफ द बेरिंग, लाइफ ऑफ द बेरिंग L10, L10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मिलियन रेवोल्यूशंस हमने फाइंड आउट किया था, राइट ना, मिलियन रेवोल्यूशंस L10 की वैल्यू वॉज हाउ मच. ओके, डायरेक्टली लोड लाइफ रिलेशन यूज कर सकते हैं हम. लोड लाइफ रिलेशन इज लोड लाइफ रिलेशन इज L10 इक्वल्स टू C/P टू द पावर स्मॉल p इक्वल्स टू C की वैल्यू डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी तो हमें फाइंड आउट करना है, C/P, p की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया 9850 टू द पावर स्मॉल p फॉर डीप ग्रूव बॉल बेरिंग इट इज इक्वल टू 3 एंड L10 वैल्यू जो हमने पिछली बार फाइंड आउट किया था वही L10 की वैल्यू होगी एंड दैट L10 वॉज 1440 मिलियन रेवोल्यूशंस. सो 1440 मिलियन रेवोल्यूशंस, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सी की वैल्यू एग्जैक्ट मिलती है दैट सी इज इक्वल टू 1112130 न्यूटन, वेरी नियर टू दिस वैल्यू, राइट. अब हम अगेन हमारे टेबल पे चले जाएंगे. हमें मालूम है कि जो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है डी वो तो 75 है. 75 डायमीटर में जो हमारा डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी 1112130 है उसके नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे. उसके नियरेस्ट वैल्यू वैल्यू अगेन हमें वही मिलती है, राइट ना, 1112130. सो दिस डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इज द नियरेस्ट वैल्यू टू आवर कैलकुलेटेड डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी. सो द सिलेक्टेड बेरिंग विल बी ऑफ डेजिग्नेशन 6315. सो हम बेरिंग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, बेरिंग नंबर 6315 विल बी सिलेक्टेड, राइट. सो हियर वी कंप्लीट द प्रॉब्लम. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम सेज दैट अ बॉल बेरिंग विद डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ 22.8 किलोन्यूटन, राइट ना, डायनेमिक लोड कैपेसिटी. इट इज गिवन दैट द डायनेमिक लोड कैपेसिटी वी डिनोट इट बाय कैपिटल सी. कैपिटल सी इक्वल्स टू 22.8 किलोन्यूटन, दैट इज 10^3 न्यूटन. ओके, द डायनेमिक लोड कैपेसिटी इज 22.8 किलोन्यूटन एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ रेडियल लोड. रेडियल लोड इज सब्जेक्टेड एफ आर ऑफ 10 kilonewton, 10 into 10 to the power 3 newton only. Radial load is subjected, thrust load is not acting on the bearing. Okay, we have to find out three things. Very first thing, the expected life in million revolutions that 90% of the bearings will reach. Expected life of million revolutions L10, right na, expected life of million revolutions that 90% of the bearings will reach, right na, 90% bearings will reach that much life, that means 10% of the bearings will fail, right na. What it means, L10 means 10% of the bearings will fail. So we have to find out L10. So L10, can I say that the load life relation, hum ek ek karke solve kar lenge, the load life relation is the load life relation L10 equals to C/ equivalent dynamic load P/p, right na. L10, we have to find out L10. L10 will be equal to C, that is dynamic load carrying capacity. Dynamic load carrying capacity is 22.8 into 10 to the power 3 upon P is
इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड, इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड फॉर लोड पी सिंस नो थ्रस्ट लोड इज एक्टिंग कैन आई से दैट द इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड इज इक्वल टू एफ आर है ना एंड द वैल्यू ऑफ एफ आर इज गिवन एज 10 किलोन्यूटन 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन सो पीज वैल्यू इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द पावर स्मॉल पी स्मॉल पी द टाइप ऑफ बॉल बेरिंग फॉर बॉल बेरिंग द वैल्यू ऑफ पी इज 3 सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट L10 इक्वल्स टू L10 द वैल्यू ऑफ L10 इज फाउंड टू बी 11.85 मिलियन रेवोल्यूशंस 11.85 मिलियन रेवोल्यूशंस राइट सो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट बिट राइट ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी द सेकेंड बिट ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग लाइफ इन आवर्स है ना द करस्पॉन्डिंग लाइफ इन आवर्स इफ द शाफ्ट इज रोटेटिंग एट 40-50 आरपीएम द शाफ्ट इज रोटेटिंग एट 40-50 आरपीएम दैट मीन्स फॉर सेकेंड बीट इट इज गिवन दैट एंड स्पीड ऑफ रोटेशन इज 1450 आरपीएम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लाइफ ऑफ द बेरिंग इन आवर्स L10H Now, we have the life of the bearing in terms of million revolutions. Relation between life of the bearing in million revolutions, that is L10 and the life in terms of hours is related by the expression L10 equals to 60 into N into L10H upon 10 to the power 6. So L10H, we have found as 11.85 equals to 60 into N. Speed is 1450 into L10H upon 10 to the power 6. This value, we have the expression with only one unknown L10H. So when we calculate or solve this expression, we get L10H value. L10H equals to 136.25 hours. So we have got the answer of second bit. Third bit says that the life that 50% of the bearing will complete or exceed before the fatigue failure. Right? Okay. So moving for the third bit. The third bit says that find the life, right? Calculate the life that 50% of the bearings will complete. Life of the bearings that 90% of the bearing completes is L10. Right now, life of the bearing in million revolutions that 90% of the bearings will reach is L10. Right, L10 means 90% of the bearings are exceeding the life of the bearing, and only 10% of the bearings are failing. Iska matlab kya? 90% of the bearings will reach. That means 10% bearings are failing now. 50% bearings will reach, that means 50% bearings are failing. So kya main keh sakta hun ki the life that 50% of the bearing will complete is nothing but L50. That means 50% of the bearings are failing. L50 is equal to, can I say it will be equal to L10 into 5, that is 5 into L10 will be equal to 5 into L10. If it is taken in 11 in million revolutions, 5 into 11.85, it will be around 850 will be around 59.25
million revolutions. And if L10, L50, H is to be found, it will be equal to 5 times the L10 H. L10 H will be equal to 5 into 136.25. It comes to be around 681.17. 681.17 hours. L50H. So we have the third bit's answer. Okay. Okay. Let us move for the next question. A ball bearing. Type of bearing is ball bearing. A ball bearing is subjected to a radial force. We have given that the force acting on the bearing is a radial force, and the radial force is of 2500 newton. Its magnitude is 2500 newton, and an axial force. We have axial force. Axial force is also acting equivalent to 1000 newton. The dynamic load carrying capacity. Dynamic load carrying capacity is also given. That is capital C is given. How much? 7350 newton. The values of x and y values are 0.56 and 1.6 respectively. Remember, x and y, these are radial and thrust factors which are directly given in the problem, right? 0.56 and 1.6 respectively. The shaft is rotating. The speed of the shaft is given, 720 rpm. Calculate the life of the bearing. We have to calculate the life of the bearing, right? Okay, so first we will find out the given data. Type of bearing is ball bearing. Now ball bearing, that means in load life relation, the value of small p will be equal to 3, right? Is subjected to a radial force. Radial force is given, fr is how much? 2500 newton. And an axial force. Axial force is fa is 1000 newton. The dynamic load carrying capacity of the bearing, capital C, is 7350 newton. The values of x and y are given. X is equal to 0.56, value of y is 1.6 respectively. The shaft is rotating. Shaft is rotating, small n is 720 rpm. Calculate the life of the bearing, L10 in terms of million revolutions and L10H in terms of hours. We have to find out life of the bearing. Since speed is given, that means we have to find out the life in hours, right? So moving forward, L10, we have the load life relation. Load life relation as L10 equals to C upon equivalent dynamic load P upon small p. L10 can be found out. C, capital C value is directly given, 7350, but the equivalent dynamic load P, we don't have the value of P. So first find out the value of P, that is the equivalent dynamic load P. We have the expression P equals to X into FR plus of Y into FA. Now X, value of X is given as 0.56 into FR, the radial force of 2500 newton, plus of Y is 1.6 into FA. FA is 1000 newton. Solve it, we will get the value of P. Value of P is 3000 newton. So value of P is 3000 newton. Now since we have P, use this relation and find out L10. L10 will be equal to C. C ki value hai hamare paas 7350 newton. 7350 upon the equivalent dynamic load P. P is 3000 upon small p. Small p, for ball bearing the value of P is 3. So L10 will be equal to, L10 will be 14.70
मिलियन रेवोल्यूशंस. सो द लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन ऑफ द बॉल बेरिंग इज दिस मच, राइट. बट सिंस द स्पीड इज गिवन, दैट मीन्स द लाइफ ऑफ द बेरिंग शुड बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ आवर्स. एंड वी नो दैट द रिलेशन अमंग द मिलियन रेवोल्यूशंस एल टेन एंड इन टर्म्स ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू एन इंटू एल टेन एच अपॉन 10 to the power 6. एल टेन हमारे पास है, एल टेन एच हमें फाइंड आउट करना है. एन की वैल्यू तो हमें दी हुई है, एन इज 720. सो एल टेन एच, कैन आई से दैट एल टेन एच विल बी इक्वल टू एल टेन इंटू 10 to the power 6 अपॉन 60 इंटू स्मॉल एन विल बी इक्वल टू एल टेन इज 14.70. 14.70 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 60 इंटू एन, एन 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 दैट इज स्मॉल एन इज 720. 720 विल बी द वैल्यू ऑफ एल टेन एच. एल टेन एच इक्वल्स टू, बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट एल टेन एच इक्वल्स टू 340.42 आवर्स. ओके, सो वी हैव कवर्ड अराउंड 3 क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर, दैट इज टुडेज वीडियो. एंड देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन बुक्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स. सो गो थ्रू दोज प्रॉब्लम्स जो कि आपको एग्जाम में मदद करेंगे, राइट. फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट अस स्टार्ट विथ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ बेरिंग.